गुड मॉर्निंग क्लास फोर। आज हम लोग क्लास फोर का चैप्टर 11 जो हम लोगों का था एक ट्यूजडे, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो था एक ट्यूजडे, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक गवर्नेस रहती है, उसका नाम रहता है मैरी पॉपिंस, और वो एक पार्क में घूमने जाती है अपने बच्चों के साथ, जिनके घर में वो काम करती है उनके बच्चों के साथ जाती है। जेन, माइकल और दो ट्विंस बच्चों के साथ वो पार्क में घूमने जाती है। वहां पे क्या होता है, माइकल जो रहता है उसको एक कंपास मिलता है, ठीक है, माइकल को एक कंपास मिलता है, और मैरी पॉपिंस वो लोगों को बताती है कि उस कंपास के थ्रू वो लोग पूरे वर्ल्ड में टूर कर सकते हैं, और एक के बाद एक वो लोग वर्ल्ड के हर डायरेक्शन में जाते हैं, और वहां पे जाके वो लोग अलग अलग एनिमल से मिलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो उसी के क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन मैरी पॉपिंस सेड नॉट, क्या हुआ जब मैरी पॉपिंस ने क्या कहा, नॉर्थ डायरेक्शन कहा, तब क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा, व्हेन मैरी पॉपिंस सेड नॉट द लेटर स्लिड राउंड द एरो डांसिंग ग्लीली सडनली सराउंडिंग्स ग्रू बिटरली कोल्ड एंड द विंड बिकम सो आइसी। तो इसका क्या होगा, जब मैरी पॉपिंस ने नॉर्थ डायरेक्शन बोला तो क्या हुआ, वो जो लेटर्स थे कंपास में जो है, चार जो लेटर थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो क्या हुए, वो स्लिड करने लगे, एरो के आसपास स्लिड करने लगे। स्लिड का मीनिंग होता है सरक जाना, वो अपनी जगह से सरक गए और वो पूरी तरह से गोल गोल घूमने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो जो एरो है और वो जो लेटर्स हैं वो क्या हो रहे थे, वो डांस कर रहे थे, ठीक है। सडनली सराउंडिंग्स ग्रू बिटरली कोल्ड, और अचानक से क्या हुआ, आसपास का जो माहौल था, पूरा वातावरण था, वो पूरी तरह से ठंड हो गया। एंड द विंड बिकम सो आइसी, और वहां का जो हवा था वो बहुत बर्फीली हो गई, वहां की हवा बहुत बर्फीली हो गई। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर वन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where did Michael and Jen see a polar bear? How did they react? Michael और Jen जो है उन्होंने polar bear को कहाँ देखा और how did they react? उन्होंने polar bear को देख के कैसा react किया, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है, Where did the Michael and Jen see a polar bear? तो इसका आंसर होगा, Michael and Jen saw a polar bear in North Pole. Michael और Jen ने polar bear को कहाँ देखा, North side में देखा, North direction में देखा, और उनको देख के उन्होंने कैसा रिएक्ट किया, माइकल एंड जेन ट्रेम्बल्ड, दे थॉट दैट पोलर बियर्स ईट चिल्ड्रन। और उनको देख के उन्होंने कैसा रिएक्ट किया, उनको लगा, माइकल और जेन को ये लगा कि वो जो पोलर बियर है वो बच्चों को खाता है, इसलिए वो लोग दोनों कांपने लगे, ठीक है। माइकल और जेन को ये लगा कि वो पोलर बियर जो है वो बच्चों को खा जाएगा, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे पोलर बियर को देख के। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड द चिल्ड्रन सी द हाइसेंथ मकाउ, व्हाट डिड ही ऑफर देम, ठीक है। बच्चे जो है उन्होंने हाइसेंथ मकाउ को कहाँ देखा, और वो जो हाइसेंथ मकाउ है वो जो साउथ अमेरिकन वो जो पैरोट है, उन्होंने क्या ऑफर किया उनको। तो इसका आंसर होगा, चिल्ड्रन सॉ द हाइसेंथ मकाउ इन ए लीफी जंगल ऑफ साउथ, साउथ के पत्तेदार बड़े जंगल में जहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा है, उस जंगल में उन्होंने हाइसेंथ मकाउ को देखा बच्चों ने। He offered them to eat some bananas instead of wriggling fish. और उन्होंने क्या ऑफर किया, उन्होंने वो जो हाइसेंथ मकाउ है उसने ऑफर किया कि कुछ बनाना आप लोग खा लो उस रिंगलिंग फिश के जगह। रिंगलिंग फिश कौन सी थी, वो रिंगलिंग फिश उनको, वो रिंगलिंग फिश उन्होंने नॉर्थ पोल में पाई थी, ठीक है। जब वो लोग नॉर्थ में गए थे, जो पोलर बियर था वहां पे, वहां पोलर बियर था, उन्होंने उसको रिंगलिंग फिश दिया था। तो वो हाइसेंथ मकाउ ने उसको ऑफर किया कि उस रिंगलिंग फिश के बजाय आप लोग ये कुछ बनाना खा लो, यही उसने ऑफर किया, ठीक है। द फोर्थ क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द प्लेस वेयर द ट्रेवलर्स फाउंड देमसेल्फ व्हेन मैरी पॉपिंस सेड ईस्ट, उस प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है, जब मैरी पॉपिंस ने ईस्ट कहा तो वो लोगों ने अपने आप को कहाँ पाया, उस प्लेस को यहाँ पे डिस्क्राइब करने को बोल रहा है। तो इसका आंसर होगा, दे फाउंड देमसेल्फ इन ए ग्रासी क्लियरिंग सराउंडेड बाय बैम्बू ट्रीज ग्रीन पेपर लाइक लीव्स रस्ट इन द ब्रीज एंड अबव दैट क्वाइट स्विशिंग दैट कुड हियर ए स्टीडी रिदमिक साउंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, उन्होंने कैसी जगह पे खुद को पाया, जब मैरी पॉपिंस ने ईस्ट कहा तो उन्होंने कैसा पाया, उन्होंने आसपास पूरा एकदम घास से भरा हुआ जगह था, पूरा लीफी जंगल था वो, और वहां पे खाली बैम्बू ट्रीज थे, बहुत सारे बैम्बू के ट्रीज थे, और ग्रीन पेपर लाइक लीव्स, पेपर लाइक लीव्स का मीनिंग होता है ड्राई लीव्स, सूखेदार पत्ते, ठीक है। रस्ट इन द ब्रीज एंड अबव दैट क्वाइट स्विशिंग दे कुड हियर ए स्टीडी रिदमिक साउंड, और आसपास जो है पूरी ड्राई लीव्स जो है वो चारों तरफ गिरे हुए थे, और वहां पे एक शांतिदायक एकदम आवाज आ रही थी, बहुत शांति थी उस जगह में, वैसे जगह में उन्होंने खुद को पाया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिड द ट्रेवलर्स मीट द डॉल्फिन, हाउ डिड सिड सी ग्रीट देम। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि किस वर्ल्ड के किस पार्ट में ट्रेवलर्स ने खुद को पाया, जहां पे कौन था, डॉल्फिन था, वर्ल्ड के किस पार्ट में उन्हों वो लोग डॉल्फिन से मिले और डॉल्फिन ने उनका कैसा स्वागत किया, डॉल्फिन जो है उन्होंने उनका कैसा अभिवादन किया। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिड द ट्रेवलर्स मीट द डॉल्फिन, हाउ डिड सी ग्रीट देम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आई थिंक दैट द ट्रेवलर्स मीट द डॉल्फिन इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड because when they meet the panda in the only direction left, the dolphin blew some scent from her nose and yelled with surprise। तो इसका क्या होगा, I think, मुझे लगता है कि वो जो travelers थे, ठीक है, वो लोग travelers कौन कौन थे, वो मैरी पॉपिंस, जेन, माइकल और दो ट्विंस बच्चे, वो लोग travelers थे, उन्होंने उस डॉल्फिन को वेस्ट पार्ट में देखा, क्योंकि यहाँ पे तीन पार्ट का दिया हुआ है, नॉर्थ का दिया हुआ है, साउथ का दिया हुआ है, ईस्ट का दिया हुआ है, पर वेस्ट पार्ट का नहीं दिया हुआ है, इसलिए वेस्ट पार्ट में उन्होंने किसको देखा, डॉल्फिन को देखा और एक ही पार्ट बचा हुआ इसलिए, और द डॉल्फिन ब्लू सम सैंड, और डॉल्फिन ने उनका कैसा स्वागत किया, कुछ सैंड नाक से झाड़ते हुए, वो बहुत सरप्राइज से उनका स्वागत किया। ठीक है, तो ये था आप लोगों का कुछ क्वेश्चन आंसर जिसके बारे में मैंने अभी बताया, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।